नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्ला टॉप देख रहे हैं। जितने दिन बीतते जा रहे हैं, मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष का गोलीकांड उलझता जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 मार्च की रात भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर, जिनकी उम्र खबरों में 19 साल के आसपास बताई जा रही है, उनको गोली मार दी गई। पुलिस को पहले बताया गया कि बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 3 मार्च को पता चला कि सांसद के बेटे ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई है। इलाज के बाद आयुष किशोर नर्सिंग होम से गायब हो गए। अब फिर से प्रकट हुए हैं, वो भी एक वीडियो में। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। आइए समझते हैं इस मामले को कि क्या चल रहा है एक्चुअली। फरार होने के तकरीबन हफ्ते भर बाद सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर ने एक वीडियो जारी करके अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि आयुष शादी के बाद अपने परिवार से अलग रहते थे। वीडियो में आयुष का कहना है कि परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने अंकिता से शादी की। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर सभी राज सामने आने लगे। अंकिता ने पहले ही किसी एक शख्स से शादी की थी जिसका तलाक नहीं हुआ है। इस बाबत जब मैंने अंकिता से बात की, पूछा, तो मेरी और उसकी लड़ाई शुरू हो गई। अंकिता मुझे धमकाने भी लगी। जिस दिन मैं ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था, उसने मुझे कॉल किया कि मैं तुम्हारे पिताजी के विरोधियों से मिल जाऊंगी, कि वो मुझे ऑफर दे रहे हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बर्बाद कर दूंगी। कई बार अंकिता ने मेरे साथ मारपीट की, जिसके निशान मेरे हाथ पर भी हैं। जब उसने मारपीट की तो उसके बाद बोली कि तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने बोला ठीक है, नहीं दिखाऊंगा। फिर 2 दिन बाद उसका फ़ोन आया। मैं घर पर उसका वेट कर रहा था। उस दिन अंकिता बहराइच गई थी किसी से मिलने के लिए, और उस रात ये गोलीकांड हो गया। जब वो किसी से मिलकर आई, गोलीकांड के बाद मैं लखनऊ गया हूँ और 3 दिन से नशे में रहा हूँ। आज भी मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उसने 2-3 शादियाँ कर रखी, इस चक्कर में मैं तो वैसे भी फंस गया हूँ। मैं लखनऊ आ रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ। जो भी सजा मिलेगी सब कबूल है, लेकिन उसके बारे में भी पता किया जाए। क्या कहा था, सुन लीजिए खुद वीडियो में। मेरी उम्र उस समय 19 साल थी और उसकी लड़की की उम्र 24-25 साल। उसने मुझे जाल में फंसाया अपने, मैं पागल हो गया था उसके प्यार में। आज वो कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसका पूरा परिवार मैं पाल रहा था, 4-5 महीने मैंने पाला। उसके बाद जब मेरी स्थिति खराब हुई, तब ये सब ड्रामे होने लगे, सारी चीज़ें मेरे सामने आने लगी शादी के बारे में ये सब। तो भाई मैं ये कह, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ लखनऊ, सरेंडर करूँगा। मुझे बैठाओ, उसे बैठाओ, जो जिस तरह करना हो, जिस तरह जो इंक्वायरी करनी हो, जिस तरह टॉर्चर करो, मुझे भी करो, उसे भी करो, सच्चाई सामने आएगी। मेरे पिताजी का बयान ले रहे हो, मेरे पिताजी का इंटरव्यू ले रहे हो। उसके पिताजी नहीं है, उसकी माताजी नहीं है, वो फ्रॉड है। उनका इंटरव्यू लो जाके, वो सच बताएंगे। गांव हुजूरपुर जाओ, वहाँ पे पता करो उसके बारे में। प्रदीप कुमार सिंह को मिलो, वो भी मेरी तरह ही है, बस वो बोल नहीं पाया, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इज्जत तो है यार सबकी, मेरी है, लेकिन मेरी तो पूरी डुबा दी गई है। प्रेस, मीडिया, पुलिस, सबने। मैं आऊँगा, जल्दी ही आऊँगा, आ रहा हूँ मैं। जिसको जिस तरह पूछताछ करनी हो, जो करना हो करे मेरे साथ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। उस लड़की को भी करो, उसके बारे में पता करो पहले, तब मेरे पे उंगली उठाओ, मेरे पिताजी पे उंगली उठाओ। इसमें मेरे पिताजी का कोई वो नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैंने धमकी दी, सुसाइड की, ये करा वो करा, उसके कहने पे करा लड़की के। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद आज मैं पछता रहा हूँ। हाँ, मेरा खुद सुसाइड करने का मन करता है, लेकिन नहीं करूँगा यार, मेरी जिंदगी है अभी। अब 2 मार्च 2021 की रात पुलिस को जानकारी मिली कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष किशोर देर रात गाड़ी से निकला था। लखनऊ में 6ठे मील पर गाड़ी रुकी, उसी दौरान उस किसी ने उसे दूर से गोली मार दी। शुरुआती जांच से पुलिस को पता चला कि जो गोली आयुष को लगी है, वह उसी की लाइसेंसी पिस्टल से चली है। इस तथ्य के बाद पुलिस की जांच का रुख बदल गया। पुलिस ने आयुष के साले आदर्श को हिरासत में ले लिया। आदर्श ने पूछताछ में गोली मारने की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक आदर्श ने खुलासा किया कि जीजा आयुष ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। चंदन गुप्ता, मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह से आयुष की दुश्मनी थी। इन लोगों को फंसाने के लिए
ये साजिश रची गई। साजिश के तहत हमला करवा कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का प्लान था। अब पुलिस का आरोप है कि ये पूरी साजिश सांसद के बेटे आयुष और साले आदर्श ने मिलकर रची थी। बाद में पुलिस ने आयुष पर भी मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जिस अस्पताल में आयुष का इलाज चल रहा था वहाँ से आयुष भाग गए। अब 6 मार्च को आयुष की पत्नी ने सांसद कौशल किशोर पर गंभीर आरोप लगा दिए। आयुष की पत्नी का कहना है कि सांसद ने ही आयुष को फरार करवाया है। आयुष की पत्नी ने बताया कि आयुष दिल्ली में सांसद के आवास में छिपा हुआ है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि आयुष ने उसके सामने ही सांसद कौशल किशोर को बताया था कि वो खुद पर गोली चलवाएगा, इसके बाद चंदन गुप्ता समेत दूसरे लोगों को फंसा देगा। हालांकि सांसद कौशल किशोर ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। पिछले एक हफ्ते में इस पूरे केस में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारा झमेला आ चुका है, कई मोड़ आ चुके हैं। अब उम्मीद लोग यही लगा रहे हैं कि साहब सुलझ जाए जल्दी से, एक नया नया मोड़ आया जा रहा है, तो जो होगा नया अपडेट इसमें हम जरूर बताएंगे आपको। आप लल्लन टॉप पर बने रहिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हैं जेरी। शुक्रिया।